आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले ट्रे वर्सेस जीआई ए के बीच होने वाले आज के तीसरे ईसीएस टी10 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लाएगा, कौन कितना ओवर बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, इसे मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, जरूरी नहीं है कि फाइनल टीम होगी। लाइनअप आने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में स्क्रीनशॉट के जरिए इसी तरीके से आखिरी के 5 मिनट में अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पे सवेदी 3000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे आने वाला कोई भी मैच 10 ओवर का 20 ओवर का जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो ना उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाओगे, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो आप जिस भी हमारी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस ब्लू लिंक के आप जैसे ही क्लिक करोगे सीधे हमारे चैनल को आप फ्री में पहुंच जाओगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये जो मैच है मुझे लगता है कि जीआईए की टीम को जीतने के चांसेस ज्यादा, जीआईए की टीम ने सीजन अपना जो पहला मैच खेला वो जीत करके आ रही है, वही ट्रैक की टीम ने सीजन अपने 3 मैचेस के लिए 3 के 3 मैच अपने हार करके आ रही है। वही जो मैच होने वाला है आपको बुच्चा रेस्ट के स्टेडियम को होने वाला है, जहां के एवरेज स्कोर आपको 130 रन करीब का आखिरी के 5 मैचेस में, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है। बल्लेबाजों के ऊपर आपको पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैं आपको यहां से कहूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन में ही मैं अपना पहला रिस्क लूंगा साई किशोर को ना लेकर के, जो कि इस बार ट्रैक की टीम से कप्तानी कर रहा है। बल्लेबाजी में कई बार 4 नंबर पर आ रहा है, कई बार 6 नंबर पर भी आ रहा है, काफी नीचे आ रहा है, और इस समय ऐसा विकेट कीपर भी आ रहा है पिसल खेल रहा है जो कि बल्लेबाजी में 9 नंबर करीब आ रहे हैं। तो मैं ना लेकर के मैं यहां से ए मोहम्मद को लेकर के चलने वाला आर्यन मोहम्मद, जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, पहले मैच में ही इसने काफी लंबा खेल करके दिया हुआ, ऐसा विकेट कीपर भी खेलेगा, मैं इसको लेकर के चलने वाला हूं। बल्लेबाजी ऑप्शन है सबसे पहले राजशेखर, जो कि जीआईए की टीम से कप्तानी करेगा, मोटा चौड़ा प्लेयर है, हर बॉल पे छक्के और चौके मारने वाले प्लेयर से 20 बॉल भी खेल के अपना काम करके दे देगा, जरूरी प्लेयर रहेगा। एक खाका जो कि ट्रैक की टीम से बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, जरूरी प्लेयर रहेगा इस सीजन में, इसने जितने भी मैं एक ही मैच खेला वहां पे काफी लंबा भी जैत की टीम खिलाफ खेल करके दिया हुआ है। उसके अलावा एल पांडे, नाम भले इसका बल्लेबाजों में लेकिन काम ये आपको बॉलर्स वाला करके देने वाला है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करेगा, बल्लेबाजी में काफी नीचे आएगा, यहाँ पे इसको 2 विकेट मिला हुआ है, यहाँ पे इसको 1 विकेट मिला हुआ है, तो काफी अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है, मैं इसको लेकर के चलने वाला। आमिर अली जो कि जीआईए की टीम की ओर से पहले ही मैच में बल्लेबाजी में 4 नंबर पे आकर के 22 बॉल पे 67 रन बना करके दिया हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा शानदार खेला, प्लस बॉलिंग से भी इसने 2 ओवर पूरा किया हुआ, भले ही बॉलिंग से फ्लॉप गया है लेकिन कम से कम 2 ओवर पूरा किया हुआ, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज आपको करके दे सकता है। सी फर्नांडो जो कि बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ जाएगा, बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, सीजन के पहले मैच में इसने भी बल्लेबाजी में काफी रन बनाए लेकिन बॉलिंग से यह भी फ्लॉप गया, बल्कि इसने भी 2 ओवर पूरा किया हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि आपको 80 से ज्यादा पॉइंट दिला करके जाएगा, 80 या फिर 100 के करीब पॉइंट दिलाएगा। और इसके अलावा यहां से आपके लिए एक और अच्छा प्लेयर रहेगा जिसका नाम पी सुनार, जो कि बल्लेबाजी में तीसरे पे आएगा। अब प्लेयर ये भी सही है, मैचेस में इसने भी रन बनाए, जिनी 30 के खिलाफ भी रन बनाया, बीजेत के खिलाफ भी रन बनाया हुआ, सही प्लेयर है। अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में रिस्क ले रहे हो ना तो पी सुनार के ऊपर रिस्क लेकर के चलना, और यहाँ से एस किशोर के ऊपर, ये दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर प्लेयर होगा जो कि आपको 50 से 60 के बीच में पॉइंट ला करके जा सकता है, लेकिन अभी मैं हारने वाली टीम के प्लेयर यही रीजन है कि लेकर के नहीं चल रहा हूँ। ए अपारी जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है और बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करेगा, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज कर रहा है, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, लेकर के चलने वाला हूं। उसके बाद यहां से गैरी सिंह, रिकॉर्ड अच्छा है, स्पिनर बॉलर भी है, लेकिन सीजन के पहले मैच में इसको बीजेत के खिलाफ ना ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला, ना ही एक भी ओवर इसको बॉलिंग मिला, तो लेने का कोई फायदा नहीं है। आईवारसी जो कि बल्लेबाजी में भी कई बार 4 नंबर पर आ जा रहा है, कई बार 5 नंबर पर आ जा रहा है, प्लेयर काफी शानदार है, पूरा पूरा मौका मिल रहा है, आखिरी मैच में इसने 2 ओवर पूरा करके 2 विकेट भी लिया हुआ, बल्लेबाजी में भी रन बना
करके दिया हुआ है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से पूरा पूरा बैकअप है। मान लो बल्लेबाजी से फ्लॉप भी हो गया, बॉलिंग से आपको विकेट लेकर के दे सकते हैं, काफी जरूरी प्लेयर रहेगा। एम यासे हिंगोनिया हिंगोरानी जो कि मैक्सिमम एक ओवर बॉलिंग करेगा, आखिरी मैच में खिलाया भी नहीं गया, ऐसे एक को भी कोई मौका नहीं मिला, लेकर के नहीं चलने वाला। बॉलिंग ऑप्शन है सबसे पहले दीप फर्नांडो जो कि बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा करेगा, और इस समय जो है जी आई ए की टीम की ओर से एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया हुआ, जी आई ए की टीम के खिलाफ ना ही इसने एक भी ओवर बॉलिंग किया। अब बल्लेबाजी में भी इसका नंबर 6 नंबर पे शो किया, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग कुछ भी नहीं किया पहले मैच में, तो इसको ना लेकर के मैं सफ़ी अहमद उमैर को लेकर के चलूँगा जो कि जी आई ए की टीम की ओर से दो ओवर पूरा करके दिया हुआ है। इसके बाद मैं ऐसे लेकर के चलूँगा दी यहाँ से मनोहरा को, ये भी आपको बॉलिंग से दो ओवर पूरा किया हुआ पहले मैच से, दो ओवर बॉलिंग करके इसको दो विकेट भी मिल गए। उसके अलावा यहाँ से जे फर्नांडो, इसने भी पहले मैच में बल्लेबाजी में रन बना करके दिया, देखो कि नाम बॉलर्स में 10 बॉल पर 24 रन, बल्लेबाजी में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन 10 ओवर का मैच है। मुझे नहीं लगता है कि शुरू के 4 बल्लेबाजों के अलावा 5वें नंबर के, 6 नंबर के, 7 नंबर के, इनके बल्लेबाजों को लेकर के चलना चाहिए, कि सेम वही केशव पांड्या का भी है, बल्लेबाजी में 6 नंबर करीब है, कोई फायदा नहीं है लेकर के चलने का, बॉलिंग नहीं करेगा। तो मैं अरुण कुमार को लेकर के चलने का सोच रहा हूं जो कि आपको बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, बल्लेबाजी में 10वें नंबर करीब आएगा। यानी कि यहां से बॉलर कौन कौन है, आर लीवर आपको 2 ओवर पूरा करेगा, सफी अहमद आपको 2 ओवर पूरा करेगा, एम बंसल आपको 2 ओवर पूरा करेगा, दी मनोहरा 2 ओवर पूरा करेगा, ए कुमार अरुण कुमार आपको 2 ओवर पूरा करके देगा, केशव पांड्या भी ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा है, जे फर्नांडो भी बॉलिंग करके आपको नहीं देगा, और यहां से दीप फर्नांडो भी आपको बॉलिंग करके नहीं देंगे। ये तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसा बल्लेबाज हो सकता है जो कि आपको 20 से लेकर के 30 के बीच बल्लेबाजी में रन बना करके दे दे, बाकी ज्यादातर प्लेयर फ्लॉप ही जाएंगे। तो अभी मैं आर लीवर को लेकर के चलने वाला हूं। अब मेरा मन यही है कि मैं अरुण कुमार को लेकर के चलूं, उसके लिए आपको किसी प्लेयर को निकाल करके चलना होगा। कैप वीसी के लिए मैं कैप वीसी के लिए सबसे 3 अच्छे प्लेयर का नाम लूंगा, ए अपारी हो गया, सी फर्नांडो हो गया और ए अली हो गया। ये तीनों प्लेयर आपके लिए ऐसा कैप वीसी सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यही तीनों प्लेयर आपको बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज करके दे रहे हैं, पूरा पूरा मौका भी मिल रहा है। अभी मैं कैप यहां से लेकर के चला हूं ए अली को, वीसी यहां से सी फर्नांडो को, बाकी मेरा मन यह कि मैं ए अपारी को ऐसा वीसी लेकर के चलूं, एक ये चेंज मेरे में हो सकता है। ये हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे चैनल का लिंक आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे इनके आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूल।